स्टूडेंट, लास्ट वीडियो वी टॉट यू अबाउट द फर्स्ट चैप्टर पुत्री मम खलु निद्राति एंड द मीनिंग ऑफ द टाइटल पुत्री मम खलु निद्राति मीन्स डेफिनेटली माय डॉटर इज स्लीपिंग यू नो सो द खलु मीन्स व्हाट यू नो खलु मीन्स खलु का मतलब होता है निश्चय की डेफिनेटली हाँ तो वो डेफिनेटली सो रही है माय डॉटर इज डेफिनेटली स्लीपिंग सो प्लीज डोंट मेक अ साउंड एनी टाइप ऑफ साउंड माँ जो होती हैं जो मदर ऑलवेज स्केयर दैट यू नॉट एनीबडी कम हियर नॉट मेक अ साउंड नॉट टच माय डॉटर सो उनकी नींद जो है खराब ना हो जाए सी इज डेफिनेटली स्लीपिंग सो डोंट वेक अप हर उसे जगाओ मत अंडरस्टूड ना तो हम लोगों ने तीन पैरा इसमें तीन स्टंजा पढ़ा था कि पुत्री मम खलु निद्राति पुत्री मम खलु निद्राति सुंदर शयने सुखमय वस्मे पुत्री मम खलु निद्राति इसको आप लोगों को याद भी करना है कभी कभी फील इन द ब्लैंक्स भी आता है दैट्स व्हाई कि पुत्री माय डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग माय डॉटर इज डेफिनेटली स्लीपिंग सी इज स्लीपिंग इन हर ब्यूटिफुल बेड एंड ब्यूटिफुल एंड लाइट क्लोथ्स में वो सो रही है आरामदायक वस्त्र पहने हुई है और सुंदर सा उसका बेड है उस पर वो जरूर निश्चय की सो रही है गहरी नींद में है सो प्लीज डोंट मेक अ साउंड हियर डोंट डिस्टर्ब हर डोंट वेक अप हर डोंट टच हर री वायस कर्कश कंठ मारट मारट कर्ण कठोर कंठ कठोरम कर्ण कठोरम श्रांता रीडी वायस बोल रहे हैं कि वायस मीन्स थ्रो हाँ मैंने बताया था तो वायस लास्ट वीडियो में वायस का मीनिंग आप लोगों ने सुना क्रो कर्कश कंठ हैरासिंग वॉयस डोंट स्पीक डोंट मेक अ साउंड हरासमेंट लाइक हरासमेंट हरासिंग वॉयस डोंट मेक अ साउंड लाइक हरासिंग मारट मारट कर्ण कठोरम जो हमारे कानों को जो कर्णप्रिय होते हैं उसको क्या बोलते हैं मेलोडियस वॉयस विदाउट मेलोडियस वेरी हरासिंग वॉयस डोंट मेक अ साउंड ऑफ हरासिंग डोंट रिपीट योर वॉयस विच इज हरास मी एंड श्रांता क्लांत पुनरनुमिता पुत्री मम खलु निद्राति माई डॉटर इज डेफिनेटली स्लीपिंग सी इज सो लवली सी इज सो विदर्ड क्लांता के लिए वर्ड है विदर्ड सी इज सो लवली सी इज विदर्ड एंड रिपीटेडली लवेबल रिपीटेडली लवेबल पुनरनुमिता बार बार दुलारी गई है वो थकी हुई है बहुत से खेल खेल लिया है उसने तो ऐसी पुत्री जो है मेरी निश्चय ही अब सो रही है तो प्लीज डोंट मेक योर हरासिंग साउंड हियर सो गो फ्रॉम हियर गो अवे फ्रॉम हियर वेरी हरासिंग वॉइस मेरे कानों को अच्छी नहीं लगी इट इज नॉट फील द गुड ऑफ माई हियर म्याओ म्याओ माँ कुरु घोर विरावर अब कैट की बारी आई तो बोल चल चल खल चोर विरावर खल मतलब दुष्ट कनिंग तो कनिंग रे ओ कैट ओ कनिंग दुष्ट ओ कनिंग थीफ कैट कैट के लिए ये उसके एडजेक्टिव आ गए उसके विशेषण आ गए कि कैट कैसी है तो कनिंग है और थीफ लाइक थीफ है तो कनिंग एंड थीफ कैट ओ कनिंग एंड थीफ कैट गो फ्रॉम हियर डोंट मेक योर लाउड वॉइस योर रिपीटेडली वॉइस डोंट मेक हियर योर रिपीटेडली वॉइस म्याव म्याव एंड माय डॉटर इज डेफिनेटली स्लीपिंग एंड सी सो लवली सो अट्रैक्टिव एंड सी हैज जस्ट ड्रिंक द मिल्क My daughter, my lovely daughter, my attractive daughter, and she has just drink the milk. She is different.
certainly sleeping here. So go away from here. Don't make your loud sound. Meow meow. Oh cunning. पहले लिखना है. Oh cunning. Oh thief. Cat. आगे देखो. उच्चैः मां भर्सशुनक वराह. उच्चैः मतलब लाउडली जोर से. उच्चैः मां भर्ष. भर्ष मतलब बार्क. उच्चैः का मतलब है लाउडली. भर्ष. भर्ष का मतलब है बार्क. माँ मतलब नॉट होता है. तो उच्च ही माँ भाषा. तो डोंट बार्क इन लाउडली. उच्च ही माँ भाषा. शुनक वराह. शुनक वराह तो बोलते हैं डॉग को, पपी को. पपी के लिए है यहाँ पे, या डॉगी भी बोल सकते हो. दुष्ट कुत्रो. तो बोले कि वो डॉगी वो पपी. यू डोंट बार्क इन योर लाउड वॉइस. यू डू नॉट बार्क हियर इन योर लाउड वॉइस. भौं मा कुरु कार्य विहीना एंड एमलेसली विदाउट एनी वर्ड. विदाउट एनी जो है कोई किसी काम के बिना. एमलेसली यू डोंट बार्क. यू डोंट बार्क हियर. वे मतलब का भौं 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 मत करो ना. यहाँ पे कुछ है किसको देख के भौं भौं कर रहे हो. तो उच्चैः मां भर्सशुनक सुनक वराह. ओ पपी ओ डॉगी यू डोंट मेक यू डोंट बार्क हियर इन योर लाउड वॉइस. भौं भौं मां कुरु कार्य विहीना एमलेसली यू डू नॉट बार्क हियर. विमला कुशला सुमन मृदुला. विमला कुशला सुमना मृदुला मतलब द माई पुत्री मम खलु निद्राति. माई डॉटर नीट एंड क्लीन. सी इज नीट एंड क्लीन एंड सी इज नीट एंड क्लीन एंड वेरी सुमना. वेरी उनके मन जो है बहुत ही अच्छे मन वाले है. बहुत ही सुमना है मतलब अच्छी मन वाली है. सुमना मृदुला है बहुत सॉफ्ट है. माय डॉटर इज स्लीपिंग. सी इज सो सॉफ्ट. सो विमला नीट एंड क्लीन. सी इज सो सॉफ्ट एंड सी इज नीट एंड क्लीन. अभी अभी त्यार बार बच्चे को कर देते हैं ना सो जाती है. एंड खुश कुशल है मतलब वो बहुत ही अच्छी है. वो एक्सपर्ट है. कुशल मतलब एक्सपर्ट को कुशल बोलते हैं ना. तो कुशल को मतलब एक्सपर्ट. सी इज एक्सपर्ट. सी इज सॉफ्ट एंड नीट एंड क्लीन. सी इज ऑल्सो नीट एंड क्लीन. Like that, my daughter is definitely sleeping here. Rere masak maa kuru gaana. Then after she says to mosquito also. Rere masak maa kuru gaana. Oh mosquito, please don't sing here. आपने सुनी है कि नहीं मच्छरों की आवाज. मॉस्किटो कान में घूम ऐसे करते हैं कभी कभी. तो वो जो है गान उनके साउंड जो है उनकी सिंगिंग जो है उसको वो भी वो फॉरबिड कर रही है मना कर रही है. रे मॉस्किटो ओ मॉस्किटो प्लीज डोंट सिंग हियर योर सॉन्ग. मा स्पृशा मा दस रक्त पिपाशो. ओ जो है रक्त पिपाशो मतलब खून पीने वाला खून चूसने वाला. तो यू आर द ब्लड बाइटिंग. ब्लड बाइटिंग माँ स्पीसर. डोंट टच एंड डोंट बाइट. डोंट टच एंड डोंट बाइट माई डॉटर. ओ ब्लड
मतलब कि पिपासा मतलब प्यासा, दर्द का प्यासा, ब्लडी बोल दो चलेगा। ओ ब्लडी मॉस्किटो, डोंट टच माय डॉटर, डोंट बाइट माय डॉटर, सुदति सुमुखी सोहन गात्री, पुत्री मम खलु निद्राती। माय डॉटर हु इज वेरी ब्यूटीफुल टीथ, हु हैव वेरी ब्यूटीफुल टीथ एंड ब्यूटीफुल फेस एंड सो ब्यूटीफुल हर बॉडी इज, वेरी सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल बॉडी, डेफिनेटली इज डेफिनेटली स्लीपिंग हियर, इज सर्टेनली स्लीपिंग हियर। सो मां ना गुरु गानम, यू डोंट मेक योर सिंगिंग हियर, यू डोंट मेक योर, यू डोंट सिंग योर सॉन्ग होम, डोंट टच हर, डोंट बाइट हर एंड गो अवे फ्रॉम हियर। सी इज सो ब्यूटीफुल, सी हैव सो ब्यूटीफुल टीथ, सी हैज सो ब्यूटीफुल फेस एंड ऑल्सो ब्यूटीफुल बॉडी। So please go from here. Agar if you bite her, if you touch her, then जो है उसके she become ugly. वो जो है उसके beautiful face पे आप दर्शोगे, आप काटोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। She do not look beautiful. She is so beautiful. उसके बदन बहुत ही अच्छे हैं, उसके शरीर बहुत ही अच्छी है, उसका फेस बहुत अच्छा है, उसके दांत बहुत अच्छे हैं। सो प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर। उसको डांट डांट के सबको भगा रही है उसकी मम्मी। अंडरस्टूड? अभी क्या है, एक्सरसाइज में है। देखो एक्सरसाइज में है, पहला प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। निद्राती, श्रांता, क्लांता, स्निग्धा, मुग्धा, उच्चै, मृदुला, स्पृशत, सोहन गात्री, निद्राती, श्रांता, क्लांता, स्निग्धा, मुग्धा, उच्चै, मृदुला, स्पृशत, सोहन गात्री। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पुत्री किम करोति। तो आपको केवल निद्राती नहीं लिखना है इसमें, जब प्रश्न पूछा जाता है कि आंसर द फॉलोइंग पुत्री किम करोति, तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए कि पुत्री निद्राती, ऐसे लिखना चाहिए कि पुत्री किम करोति, तो पुत्री निद्राती। ओनली कभी कभी बच्चे क्या है ओनली निद्राती लिख देते हैं, तो वो सही तो बोल जाता है बट दैट इज नॉट द प्रॉपर मेथड, दैट इज नॉट द प्रॉपर मेथड। पुत्री किम करोति, अब है कि पुत्री निद्राती, पुत्री निद्राती। फिर सेकेंड में क्या है, कर्कश कंठ कस्य अस्ति, कर्कश कंठ किसके है, पूरा फुल आपको सेंटेंस लिखना है। कर्कश कर्कश कंठ कस्य अस्ति, पूछ रहा है कस्य, तो वहां भी स्य है तो यहां भी आपको वाय सस्य, वायसस्य अस्ति। ये जो है बेटा, ये देखो अस्ति में स और त संयुक्त दिए और इसके पीछे से, दोनों के पीछे से ऐसे ह्रस्व इकार देते हैं छोटी ई की मात्रा। हाँ तो कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं अस्ति, हाँ तो ये नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये अ और जहाँ भी संयुक्त होता है, संयुक्त अक्षर कोई भी होता है तो उसमें ह्रस्व इकार यहाँ से दिया जाता है ना, समझ में आई ना बात।
तो क्या है सेकंड वर्ड? कर्कश कंठ कस्य अस्ति, कर्कश कंठ रायसस्य अस्ति। थर्ड वर्ड विडालम किम करोति, विडालम किम करोति, विडालम किम करोति, विडालम घोर मात्रा।
बताइए वायसर है, तो वायसर है क्रो, तो क्रो क्या करता है, क्रो का क्या है निद्राती, तो पुत्री खलु निद्राती है, तो पुत्री चौथा है, तो फोर्थ को वन से मिला देंगे पुत्री निद्राती। फिर कर्कश कंठ किसके हैं, काव काव कौन करता है, वायसर करता है, तो वायस का सेकेंड हो जाएगा। विडाल विडाल के जैसा बिल्ली गोर विरावम वर्ड रहेगा या म्याव म्याव वर्ड रहेगा, तो बिल्ली जो है म्याव म्याव करती है। और सुनक बराका मीन्स डॉगी होता है, पपी होता है, तो आप तुरंत जान जाओगे कि ये भौं भौं करता है। और विडाल बोलते हैं बिल्ली को, तो वो म्याव म्याव करती है, जैसे मैच कर देंगे। स्मॉल चैप्टर नॉट वेरी लेंथी चैप्टर, सो आई होप दिस वन इज वेरी क्लियर।